नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फोबग और मैं हूं अमर चौहान। दिन भर की अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फो अपडेट्स। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते को 100 दिन पूरे। समीक्षा के लिए घाटी पहुंचे सेना प्रमुख। LOC पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम के 100वें दिन में प्रवेश करने और घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों के जमीनी स्थिति पर समीक्षा करने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार से 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रमुख घाटी में अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की किसी भी संभावित कोशिश से निपटने के लिए सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनुच्छेद 370 खत्म करने की चुनौती को आसान बनाने वाले IPS दिलबाग सिंह को मिल सकता है NIA की कमान। गत फरवरी में दिलबाग सिंह को केंद्र सरकार के IPS अफसरों की एम्पैनलमेंट सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके पक्ष में बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दो माह बाद आज फिर से दौड़ी मेटाडोर। अंतर जिला रूट पर बसें भी चली। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में हुआ फैसला, लोगों को कोविड नियमों का करना होगा पालन। जम्मू संभाग के सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं, ऐसे में इन जिलों में यात्री वाहन चलने से लोगों को भी राहत मिली। मंगलवार को ऑल इंडिया J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन TS वजीर ने कहा कि बुधवार से अंतर जिला रूट पर बसें पूरी क्षमता के साथ चली, जबकि शहर में मेटाडोर भी दौड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में लोगों को सुविधा मिले इसके लिए एसोसिएशन ने बसों का परिचालन शुरू करने का भी फैसला लिया है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की त्रिस्तरीय होगी तैनाती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग दौरे में कहा कि नर्सिंग स्टाफ की पहली श्रेणी मरीज का पंजीकरण और परामर्श का काम देखेगी, दूसरा चरण मरीज को दवाएं और इंजेक्शन लगाने का होगा और तीसरी श्रेणी के काम में नर्सिंग स्टाफ हर घंटे के मरीज के ऑक्सीजन प्रवाह का मॉनिटरिंग करेंगी। LG ने कहा कि सरकार पंचायत स्तर पर कोविड केयर सेंटर खोलने की व्यवस्था भी कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JMRDA के अधीन आने वाले 5 जिलों में विकास को रफ्तार मिलेगी। JMRDA एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। अथॉरिटी के तहत आने वाले जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर और रियासी जिलों के गांव में विकास तेजी से करने के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 5 जिलों को 25-25 करोड़ लागत वाली प्रारंभिक योजनाएं परियोजनाएं तैयार करने के लिए भी कहा गया है। वहीं एक्ट में संशोधन कर अब अथॉरिटी में मुख्यमंत्री की जगह उपराज्यपाल और संबंधित विभागों के सलाहकार भी शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को दोबारा करना होगा अपना बुकिंग करना होगा स्लॉट। कोरोना संक्रमण का असर परिवहन विभाग के कार्यों पर भी पड़ा है। RTO और ARTO कार्यालयों में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिन लोगों ने मई में अपना स्लॉट बुक किया था उन्हें निरस्त कर दिया गया था। अब इन आवेदकों को ड्राइविंग ट्रायल के लिए ऑनलाइन आवेदन करके नई डेट पर स्लॉट दोबारा बुक करना होगा। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के कारण मई में होने वाले लर्निंग लाइसेंस टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल को निरस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में कोरोना अनलॉक की तैयारियों के बीच तीसरी लहर का खतरा। विशेषज्ञों ने की रुकने की अपील। अपने मूल प्रकार से अधिक संक्रामक माना जाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट B.1.67.2 ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से अधिक तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट से उन लोगों के संक्रमित होने की आशंका अधिक है जो कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। बात करते हैं सऊदी अरब की। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज होगी धीमी। शिकायतों के बाद आदेश जारी। सऊदी अरब में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आदेश जारी किया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी शासक मोहम्मद बिन सलमान ने सभी मस्जिदों को अजान या अन्य मौकों पर लाउड स्पीकर धीमा करने के आदेश जारी किए हैं। सभी मस्जिदों को बताया गया कि वे लाउड स्पीकर की आवाज
धीमी रखें। सरकार के आदेश नहीं मानने पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। पाकिस्तान में हिंदू व्यापारी की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन घंटों जाम रहा कराची हाईवे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक हिंदू व्यापारी की हत्या की घटना से गुस्साए अन्य व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कराची जाने वाली सड़क को घंटों के लिए बंद रखा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, कितने लोगों को दी गई खुराक, वैक्सीन खरीद का ब्यौरा भी मांगा गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने 9 मई के शपथ पत्र में कहा गया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिकों का मुफ्त टीकाकरण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अदालत के सामने इसे स्वीकार या इससे इनकार करें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत के मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की गई थी। अदालत ने केंद्र से 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। भारतीय रेल वर्ष 2020 में रेलवे ट्रैक पर 8,733 लोगों की हुई मौत, RTI के तहत हुआ खुलासा। रेलवे बोर्ड ने RTI के तहत जवाब देते हुए कहा कि मृतकों में कई प्रवासी मजदूर शामिल थे। रेलवे बोर्ड ने बताया कि राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रेलवे ट्रैक पर 805 लोगों को चोटें आई और 8,733 लोगों की मौत हो गई। गंगा नदी में बहते शवों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर, केंद्र समेत राज्यों को निर्देश देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संबंधित प्राधिकारियों को हर जिले में 24 घंटों में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि परिवार के सदस्यों की अपील पर मृतकों को शव दाह में लाया जा सके। अब बात करते हैं खेल समाचार की। ओलंपिक डायरी, ओलंपिक को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मैच खेलने के लिए पहली टीम पहुंची टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक 2021 शुरू होने में अब सिर्फ 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस पर संकट का बादल मंडरा रहा है। इसी बीच खिलाड़ियों की टीम पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अंत में मौसम की जानकारी आपको देते हैं। केरल में 30 जून को दस्तक देगा मानसून। जाने कहां कैसे होगी बारिश। केरल में मॉनसून कल यानी 3 जून को दस्तक देने को तैयार है। बता दें इससे पहले केरल में 31 जून को मॉनसून आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन थोड़ा लेट होने के कारण केरल में दस्तक दी है मॉनसून ने 3 जून से। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी। अनलॉक की प्रक्रिया काफी हद तक शुरू हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, सभी SOPs का पालन करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखें, डबल मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से आप अपने आप को और अपने आसपास और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें इन्फोबग।